सब्र, कुछ लोग सब्र को क्या समझते हैं मैं बताती हूँ। कुछ लोग सब्र को टॉर्चर समझते हैं कि सब्र कर कर के टॉर्चर होना, सहन करना। असल में सब्र वो चीज़ नहीं है। सब्र तो वो चीज़ है जो सब्र करते हैं। सब्र करने का मतलब है पूर्ण सुकून होना। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, वो अपने हमें अगर गाली भी दे, कुछ भी ऐसा वैसा बोले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सब्र कहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है, हमारे अल्लाह को पता है कि हम क्या है, कैसे हैं। हमारी फैमिली को पता है, हमारे माँ बाप को पता है कि हम क्या है, कौन है, कैसे हैं। तो हमें दूसरों को जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस दुनिया में लोगों को आदत है टॉर्चर करने की, बकबक करने की, और यहाँ की वहाँ करने की, लोगों को भटकाने की। ये आदत है, और ये आदत उन लोगों की तो कभी नहीं बदलेगी। जिन्हें अल्लाह बदलना चाहेगा वही बदलेगा। बाकी तो हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं बदल सकते ऐसे लोगों को। इसलिए सब्र करना यानी पूर्ण सुकून होना। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह की राह में सब छोड़ दो, अल्लाह के भरोसे सब छोड़ दो। जो करेगा अल्लाह सही करेगा। अगर अल्लाह ने हमें पसंद किया है तो अल्लाह ताला हमारा साथ भी देगा, हमारी मदद भी करेगा। बस हमें सब्र करके बिल्कुल पूर्ण सुकून होना है। किसी भी इंसान की परवाह नहीं करना है, और हम करें भी क्यों, क्योंकि हमने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। इतना तो हमें मालूम रहता है, हम जाती मामले तो हम अपने पास मालूम रखते हैं। हम खुद को जानते हैं कि हम कैसे हैं। हमें दूसरों को चताने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम एक एक को समझा नहीं सकते, और ना ही हमें कभी समझाना चाहिए। अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम वक्त की बर्बादी करते हो। अपने आप को टाइम दो, अल्लाह को वक्त दो, और अपनी फैमिली को वक्त दो। बस पूर्ण सुकून हो जाओ। अल्लाह ताला हम पर इतनी नेमतें, इतनी रहमतें बरसाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरा खुद का ज़ाती मामला है। मैं सारी चीज़ें अपने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी आसान होती है। जो सोशल मीडिया पर होते हैं उसकी ज़िंदगी भी आसान होती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान इस दुनिया में लाचार है, मजबूर है। सबसे ज़्यादा इंसान इंसान से ही लाचार है। इसीलिए इंसानों को मनाना छोड़ दो, उनके तरफ मांगना छोड़ दो, उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो। अल्लाह से रखो, अल्लाह ताला इतना देगा, वहाँ से देगा जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होगा। और पूर्ण सुकून होना यानी कि हमारे ऊपर छत है, हमारे ऊपर सारी अल्लाह की नेमतें हैं। हम तीन वक्त की रोज़ी रोटी खाते हैं, तो उससे बेहतरीन और क्या हो सकता है हमारे लिए। तो हम दुनिया में सबसे बड़े ये समझो कि हम पूर्ण सुकून लोग हैं। बस इसे सब्र कहते हैं। सब्र का मतलब पूर्ण सुकून होना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो मैं और अपनी वीडियो बनाऊंगी दीन के मामले में। मैं तो खास करके दीन के मामले में, मुझे इंटरेस्ट है दीन में। अब मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। और मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन बड़े कम कमेंट्स आते हैं। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, खास करके उन लड़कियों के लिए मैं बनाना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में लाचार है, बेबस है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो भटक चुकी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम। मुझे कमेंट करके अपनी परेशानी ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं अपनी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी सारी परेशानियों का मसला ढूंढ सकूँ और आपको समझा सकूँ वीडियो के थ्रू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।